पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश में आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी भी अब एक्शन में आ गई है। इसी कड़ी में गुरुवार को कांग्रेस पार्टी के पश्चिम उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष नसीमुद्दीन सिद्दीकी मुरादाबाद पहुंचे, जहां कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं से कचहरी स्थित आईएमए हॉल में उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं में काफी जोश भी देखने को मिला। मुरादाबाद जनपद में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नगर निकाय चुनाव को लेकर कचहरी स्थित आईएमए हॉल में एक बैठक आयोजित की। कार्यक्रम में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रांतीय अध्यक्ष नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने संगठन की मजबूती और नगर निकाय चुनाव को लेकर विचार विमर्श किया। जनपद के प्रत्येक वार्ड, नगर पंचायत और नगर पालिका में पूरे दमखम से चुनाव लड़ने की बात कही। गुरुवार को पश्चिम उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनने के बाद नसीमुद्दीन सिद्दीकी पहली बार मुरादाबाद पहुंचे, जहां कचहरी स्थित आईएमए हॉल में उनका फूलमालाओं से स्वागत किया गया। उन्होंने संगठन की मजबूती, निकाय चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। वहीं कांग्रेस से पश्चिम उत्तर प्रदेश के प्रांतीय अध्यक्ष नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि जो राहुल गांधी की पदयात्रा चल रही है, उसका जनता पर विशेष असर पड़ रहा है। अपने प्रांतीय अध्यक्ष जी को दिलाना चाहता हूँ, मुरादाबाद मकसद तो आपका एक है ना कि कांग्रेस मजबूत हो, प्रियंका जी मजबूत हो, राहुल जी मजबूत हो, सोनिया जी मजबूत हो, मल्लिकार्जुन खड़गे मजबूत हो, ब्रजराज ठाकुर मजबूत हो, या दूसरा मकसद है आपका किसी और को मजबूत करना है। मकसद अगर एक है, छोटी मोटी बातें मैं नहीं जानता कि है, मेरा ये आरोप नहीं है कि है, सब भुला करके मजबूती के साथ इस चुनाव में दिखा दीजिए, ये सेमीफाइनल लोकसभा का, कि अगली बार लोकसभा में बीजेपी नहीं, कांग्रेस, राहुल जी, प्रियंका जी, सज्जन खड़गे जी और सोनिया जी की देश को संभाली, कोई और संभालने वाला नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।